झूले भी यहाँ पर चल रहे हैं और काफी चहल पहल है। तो अब नया दिन, एक और नई यात्रा और एक और नया ब्लॉग। आज हम लोग आ गए हैं दुबई मेले में, जो कि बलरामपुर लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजावट हुई है और काफ़ी अच्छा मेला है। यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है और कैसा लगने वाला है, कैसा दिखने वाला है। मेरे साथ है, ये चेहरा नहीं दिखा रही हैं, बेटू मिश्रा, और साथ में धैर्य भी है, और सभी लोग मिलकर चल रहे हैं आज मेला देखने। गेट से उतरते ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आज काफ़ी सजावट है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, भीड़ बहुत ज़्यादा बहुत नहीं है दोस्तों। और बाकी ये कुछ कह रहे हैं, थोड़ा इनका भी आप ब्लॉग देख लीजिए। आग वाला पानी यहाँ पर देखिए आप, और क्या दिखाना है, नहीं मेला दिखा दें बस। तो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं मेला देखने। और यहाँ पर देखिए ये दोनों आगे चल रहे हैं, और इन्होंने ही पूरा ये गेम रचाया हुआ है मेले के लिए, यही दो लोग ज़्यादा परेशान थे। चीज़ चाहिए, यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए। हाँ। ये चीज़ हाँ। पूछो कितने की है, कितने की है? ये 50 रुपये का। कोई बात नहीं, अभी लौट के आते हैं तो ले लेना भाई। सबसे पहले वो कहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, तो खरीद देंगे ना, हमने ये थोड़ी ना मना किया है, देख ले यहाँ पे मिल रहा है बस। आओ चलो आगे बढ़ो, घूम टहल के आना, ये तो गेट के पास में है ना। ये देखिए हमारे एक नए जो हीरो हैं आने वाले टाइम के, सब हैं विनायक तिवारी, और देखिए आर्यन नाम है। अब किस तरीके से ये कैमरे को फेस कर रहे हैं आप देखिए, कि देखो इनको जरा भी नहीं लगता है, बहुत ही ये कैमरा जेनिक है। फोटो खींचने के लिए अगर आप कैमरा सामने कर दीजिए तो ये बंदा दिखेगा आपको सामने। और कहाँ पे कौन है, अरे वाह ये देखिए भैया ने ये ले लिया है, तलवार दिख रही है मुझे। हाँ ये तो पेन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भैया ने ये पेन लिया है। तो बता दो दोस्तों को, ये देखिए दोस्तों पेन ले लिया मैंने। हाँ तो दोस्तों ने पेन ले लिया है, तो देख रहे हैं आप लोग इस समय ये लोग इसमें आए हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता है। चारों तरफ से जाली लगी है और यहाँ पर केवल कूदना है, और कूदने में तो ये माहिर है, आप लोग पहले से वीडियो में जानते हैं। बच्चे तो कूदते रहेंगे, बच्चों का काम है कूदना। और आप देखिए मेले में रौनक क्या है, चारों तरफ झूले लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, भीड़ भी काफ़ी पर्याप्त संख्या में है, बड़े बड़े झूले भी यहाँ पर चल रहे हैं और काफ़ी चहल पहल है। यहाँ पर निशानेबाजी वाला लगा हुआ है स्टॉल, और यहाँ पर ये हमारे रामजी दादा हैं, ये निशानाबाजी में एक्सपर्ट हैं, ये कुछ करना चाह रहे हैं, तो अब देखते हैं इनका निशाना कितना सटीक है और कैसा है। क्या चीज, क्या कह रहे हो, कहाँ चले हैं बताओ तो, कहाँ बताओ, झूले का नाम बताओ, हैं चलो चल रहे हैं। झूला झूल रहे हैं, बहुत ही बड़ा वाला झूला झूल रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों लोग एक साथ बैठे हुए हैं भैया। और
झूला झूलते झूलते इतनी ऊपर आ गए हैं और बहुत ही ऊपर हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये बैठे हुए हैं, ये अभी रो रहे थे। इधर दिखाओ अपना चेहरा, तुम डर रहे थे ना? हल्का हल्का नहीं, सही बताओ। इधर देखो कैमरे में, डर रहे थे। और ये क्या बताते हैं, कैसे ऐसे 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 करके सिस्टम करते हैं, ऐसा करके दिखाओ। हाँ, ये सारी तो अगली हमारी यात्रा है, ये नाव वाला झूला। और हम लोग बैठे हैं, बिल्कुल लास्ट सीट पे बैठे हुए हैं और सभी यहाँ पर हैं। देखो बहुत अच्छा है, तो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, तो आगे देखते हैं कि कैसे डर लगता है, कैसे बंद होएगा। इनके हाथ में है और ट्रेनिंग के दौरान हम लोग झूला झूलने वाले हैं। मेले में खरीदारी भी काफी हो गई है। बेटू ने ये लिया है, पता नहीं क्या है, स्लाइम को बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा। और भैया ने ऐसे ऐसे वाला फैन लिया है, फैन की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप मेले को देते हैं विराम, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।